हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। आयुष, विकास, प्रतीक, सूरज, यौरची, शाहिद, सभी का और सभी का पारस, सभी का बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है भाई क्लास में। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, ठीक ठाक। गुड इवनिंग आयुष भाई, आशीष, शिव, सभी का और सभी का बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज भी हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि इसके पहले क्या है ना, ये क्लास शेड्यूल थी भाई, तो आज प्रैक्टिस की क्लास शेड्यूल है, तो हम लोग पहले प्रैक्टिस ही करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? गुड इवनिंग विकास भाई, सूरज, इरेन, जैसा कह दो यार आप। आशीष भाई, जैसा कह दो आप वैसा कर लेंगे, क्योंकि कल से हम लोग प्रॉबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। वाइस लो है। अरे यार कृष्णा, ऐसा मत बोलो, आप अपने का बढ़ाओ एक बार। अपने मोबाइल का अगर आप ले रहे हो तो मोबाइल से, लैपटॉप का ले रहे हो लैपटॉप से। हम वॉइस बढ़ा देंगे ना तो फिर बहुत तेज हो जाएगी। आप घूमने आए हो, बढ़िया है। योगेंद्र, यौरची, अमित, विकास, दीप, सभी का और सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। बताओ आवाज नहीं आ रही क्या? सभी लोग बताना भाई एक बार, क्या आवाज में दिक्कत आ रही क्या? कुछ थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो बता दो आप लोग। क्लियर है? अरे क्लियर आएगी भाई, ठीक है। विकास भाई हटा देते हैं यार। चलो आज देखते हैं, आज का करते हैं। ये रहा कोड आपके सामने, कभी भी कोई कोर्स परचेज करना हो तो आप लोग ये कोड यूज कर सकते हो। कल आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम प्रोबेबिलिटी समझाएंगे, आपको 1% का डाउट नहीं रहेगा। और जब तक नहीं समझ में आएगा ना, तब तक पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना कल की क्लास में। साक्षी, आयुष्मान, पुनीत, सभी को और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। आज की क्लास यार पहले से लिखा हुआ है एडवांस मैथ, बाद में अगर कोई नया ढूंढना चाहेगा ना कि प्रोबेबिलिटी की क्लास कहाँ, तो वो मिल नहीं पाएगी, तो इस वजह से फिर हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये पहले शेड्यूल थी क्लास। चलो आज हम प्रैक्टिस करते हैं, हमने इसीलिए टेलीग्राम पे सेंड भी कर दिया था, आपको पहले ही बता दिया थे सारी चीजें। स्टार्ट किया जाए ना? हाँ ना, बता दो, स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। साक्षी, आयुष्मान, पुनीत, सभी का और सभी का, अजीत, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी नहीं करवाएंगे साक्षी जी, आज कल करवाएंगे, क्योंकि आज क्या है ना, एक क्लास शेड्यूल थी, और अगर आज करवा लेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने तो पूरा तैयार था, पीपीटी भी बनाई हुई थी, क्योंकि हमने सोचा था पढ़ाना है। लेकिन अब क्लास अगर एडवांस की शेड्यूल ना और प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एडवांस की क्वेश्चन कर लो, बढ़िया और बेहतरीन से क्वेश्चन है। कल से आपको 1 घंटे और 1 घंटे हम बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे चीजों को, मजा आएगा आपको चीजों को पढ़ के, ठीक है भाई? अथर्व का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। क्या नहीं आती सूरज भाई? कौन नहीं आता, क्यों नहीं आता, ये तो बताओ आप। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो भाई, कह रहे हैं कि सर ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है, और इसका एरिया जो है ना वो अपने पास क्षेत्रफल इतना और इतना है। तो हमने कहा सर दोनों का एरिया का रेशियो कितना है, तो आपको सर 64 अपॉन कितना, 81। हमने सर पहले अगर लिखा है एबीसी का लिखा है ना, और नीचे कितना है एडी और पीटी कह रहे हैं, तो हमने कहा सर एबीसी और पीक्यूआर तो बराबर किसके आ जाएगा, कि अपने पास एडी और पीटी जो है ना इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि साइड का जो भी स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है अपने पास एरिया के। आपको बिल्कुल सर यहाँ से स्क्वायर लगाओगे इधर बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये अपने पास आ जाएगा एडी, और पी और टी की वैल्यू अपने पास दिया हुआ है भाई 10.8, बराबर कितना आ जाएगा सर 8, और बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से एक बार में, 9 से दो बार में 12 अट्ठे 96, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 आ जाएगी। क्या पहला बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन। कोमल, प्रियरंजन, अजय, सभी को और सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग आंसर देते रहो। आज के क्वेश्चन मजेदार हैं, आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, लगेगा कि कुछ आपने पढ़ा है आधे घंटे में। 30 मिनट की क्लास करते हैं आज की, कल से 1 घंटे की क्लास होगी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, और कल पूरा प्रोबेबिलिटी हम आपको समझाएंगे, 1% की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये कह सकते हैं। पीपीटी आज ही बना दिया था भाई हमने, क्वेश्चन भी करवाएंगे और थ्योरी भी करवा देंगे, जो थोड़ा सा बची थी, हर एक पॉइंट कल हम लोग क्लियर करेंगे।
देखो भाई टाइम बढ़ा देते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन ऐसा है ना, कैसे चक्री चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं एबी और डीसी बढ़ाने पर ई पर मिलती हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कभी किया था कि सर एक अपने पास ये हो गया सर्कल, और अगर हम यहाँ से बनाना चाहें कि सर आप ऐसा कुछ बना लो। ये हमने ऐसे बना दिया, ये मिलेंगी भाई कहीं ना कहीं आके। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पे आके मिल जाएंगी, ऐसे मिला देते हैं इनको, ये मिलेगी आगे आगे ये समझ लेना। या आप इसको और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाओगे ना तो ऐसे कुछ आ जाएगा। देखो चलो ऐसे समझ लो कि सर मिल गई कहीं पे जाके और मिल गई। तो हमने कहा सर ए बी सी डी की भुजाएं हो गई, तो हमने कहा सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है मेरे भाई, फिर हमसे कह रहे हैं क्या बढ़िया हो रहा है ना, फिगर बनाने में एक नंबर बनाते हैं हम, अवार्ड मिलता नहीं कभी, ये बात अलग है। ए बी और डी सी बढ़ाने पर, ए बी और डी सी बढ़ाने पर ये अपने पास कह रहे ए बी और डी सी बढ़ाने पर ई पे मिलती है, और ए डी और अपने पास बी सी बढ़ाने पर एफ पर मिलती है। ए डी सी 78 है, ए डी सी अगर देखा जाए ना सर तो ये वाला एंगल 78 है। फिर अपने से कह रहे हैं सर ए डी सी 78 है, और फिर क्या कह रहे हैं अपने पास, ये तो हो गया ना ए डी सी 78 हो गया, और क्या कह रहे हैं बी ई सी 52 है। अब एक बात बता दो मेरे भाई, अगर ये 78 है और ये 52 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा। तो आपको सर ये दोनों को जोड़ लेंगे, 0 1 और 8 7 15 और 1 16, 160 आ गया। अगर सर 160 आ गया तो बचा वाला एंगल कितना आ जाएगा, क्या 20 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को, तो आपको बिल्कुल नहीं, इतने बनेंगे ना 8 5, कितना 8 7 5 12 आएगा, ये कितना बनेगा 0 1 12 और 13, 130 आएगा, तो 50 बनेगा ना, तो आपको सर 50 डिग्री ये बना। अब एक बात ये बताओ सर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सामने सामने वाले एंगल सेम आएंगे क्या। तो आपको बिल्कुल सर, अगर ये 78 है तो ये 102 बनेगा क्या, 78 2 80 हो गया सर, ये 50 हो गया, ये 102 हो गया, तो बचा वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो आपको सर 50 और ये 152 हो गया। और अगर माइनस कर लोगे अगर आप 180 से तो बनेगा कितना, तो आपको 10 में से 2 8 आ गया और 7 में से 2 5, क्या 28 डिग्री आएगा क्या। और यही तो पूछा गया था ना कि ए एफ और बी बता दो, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। किसी को 1 भी% की दिक्कत समस्या हो तो बता दो। प्रीसा, हितेश, कीन, सभी को और सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। अमित भाई का भी स्वागत है। किसी कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, आगे बढ़ जाए हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुड इवनिंग कीन, बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है आप सभी का। फटाफट से आप लोग आंसर देते रहोगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। देखो भाई टाइम हमने बढ़ा दिया है, हम लोग सॉल्व करते हैं। कहें सर 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, तो एज सिंपल अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहो ना, तो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा क्या कि सर एक जीवा है और हमसे कह रहे हैं सर 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींचा गया, तो यहाँ से अगर आप इसकी डिस्टेंस देख लो तो ये अपने पास रेडियस आ गया सर, ऐसा मिला लो। तो कह रहे हैं केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी बता दो, ये कितनी होगी, ये अपने से पूछा गया है। हमने कहा कि सर अगर ये अपने पास 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा है तो क्या आधी दूरी है 21/2 आएगा, और ये भी 21/2 होगा, आधा आधा हो गया। सर अगर जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना आएगा, 25/2 आएगा, और अपने को ये अपने पास चाहिए, तो आप इसको ओ और ए कुछ भी मान लो। तो हमने कहा सर ओ और ए हमने मान लिया। हमने कहा सर ओ और ए का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे अगर आप, तो ये पर बनेगा कितना, तो आपको सर 25 का 625/4 और माइनस से कितना सर 441 और बटे कितना 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लो मेरे भाई, 4 आ गया, 8 4 12 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा और बटे 4 आ जाएगा, 4 4 16 2 आ गया, 4 3 24, तो 46 बनेगा क्या, तो ओ और ए बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 46, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो बताते रहना आप लोग, नहीं तो हम लोग आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। रोहित, सूरज, एस, सभी को और सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। यार रोहित भाई ये तो रानी मैडम ही बता पाएंगी ना, ये तो वही बताएंगे ना कि क्लास क्यों नहीं हो पा रही। हमको ज़्यादा पता नहीं होता इस बारे में, ये आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया से पता होगा क्योंकि तो आप लोग क्लास करते हो, हर जगह जाते रहते हो ना क्लास में, तो ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगी चीज़ें। प्रिंस भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा।
देखो इसको बनाते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्या किया प्रिंस भाई आपने, गुड इवनिंग, बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है आपका क्लास में। ये कौन सा इमोजी बनाया है, क्या मतलब होता है इसका? हमने कहा कि सर ट्रायंगल एबीसी में ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो ना आप लोग, अच्छा नींद में हो ऐसा बना रहे हो। हाँ आपने सही यूज किया, ऐसे ही बनाया करो, लिखने की जरूरत नहीं होती है चीजें ना, लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही बना दिया करो, समझ में आ जाता है कि आपने कुछ बनाया है। हमने कहा है कि सर देखो ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी ऐसा है कि सर अगर ट्रायंगल एबीसी हो गया, अपने पास सी ए को जो है ना, अपने पास कहना है कि सर इसको जो है ना हमने डी तक समझ लिया, डी जो है ना इसको ई तक बढ़ाया गया, तो हमने बी सी से ई मिलता है, ये अपने पास बढ़ा दिया गया है। सर ए बी और ए सी 5 और 2 है, तो ए बी अपने पास 5 है और ए सी कितना है सर 2 है। आप मान लो कि सर 5 और 2 है, मतलब ये अपने पास लिख दिया हमने। कह रहे हैं सर बी और सी जो है ना 9 है, बी और सी 9 हो गया अपने पास, तो कह रहे हैं कि बी और ए को डी तक बढ़ा दिया हमने, बी और ए को हमने डी तक बढ़ा दिया। ठीक है भाई, बी और ए को डी तक बढ़ाया जाता है और कोण सी ए डी का समद्विभाजक डी तक बढ़ाया जाता है। बी और ए को डी तक बढ़ा दो, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो बी और ए को ऐसा बना दो कुछ डी तक, ऐसा इधर को बोलना चाह रहे हैं सर, बी और ए को डी तक बढ़ाया जाता है, तो कोण सी ए डी, सी ए और डी जो है ना ये अपने पास क्या है, सी ए डी समद्विभाजक बढ़ाई गई बी से ई पर मिलती है। अच्छा ये अपने पास बी सी से जो हमने बढ़ाया तो ई पर मिलती है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे, ये बन गया। तो भाई अगर अपने पास सी और ई की लंबाई चाहिए, ये वाली लंबाई चाहिए, तो अगर ये एंगल बाई सेक्टर है ना, किसका आंसर भाई चाहिए आपको? अभी तो हम लोगों ने सवाल कहाँ किया, अभी तो आप देखो इधर, तो हमने कहा सर अगर आप एंगल बाई सेक्टर की अगर थ्योरम लगाना चाहो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर ए बी, कैसे ढूंढा प्लीज साहब ने क्लास को यूट्यूब से यहाँ तक कैसे आप पहुंच पाई? तो हमने कहा सर ए बी और ए सी आ गया और बराबर किसके आएगा, क्या बी सी और अपने पास किसके आ जाएगा, बी सी और सी ई, ऐसे ही आएगा क्या, बी सी और अपने पास बी और ई आएगा, सॉरी बी और ई और सी ई और ई, ये बनेगा क्या, ऐसा कुछ अपने पास बनेगा। तो हमने कहा सर ए और बी कितना है, तो आपको सर 5x और अपॉन ए और सी कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये 2x आ जाएगा, बराबर किसके, बी और ई कितना आ जाएगा, तो आपको सर 9 और प्लस सी और ई और अपॉन कितना सर सी और ई आ जाएगा। सर ये तो कट जाएगा, इधर अगर हम गुणा करते हैं तो 5 सी और ई बराबर किसके आ जाएगा 18 और प्लस कितना 2 और सी और ई के आ गया। यहाँ पे कितना बनेगा, क्या सी और ई की वैल्यू 6 ही बन जाएगी क्या, क्योंकि तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 6 आएगा और 6 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत समस्या? हाँ बी और ए आपने सही कहा था कि बी और ए यहाँ से डी तक इसने बढ़ाया, ऐसा कुछ बढ़ा दिया था या ऐसा कुछ कहना चाह रहा था जैसे हमने बना दिया। ठीक है भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बेहतरीन साथ देखने को मिलेंगे आपको, मजा आएगा और मजा आएगा, तो अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो आप लोग। एक भी क्वेश्चन में रेशियो, आपने एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम पढ़ा होगा ना आयुष्मान भाई, तो वो आप देखना क्या यही होता है क्या, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम तो यही होता है ना, अगर आप एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है वो, तो उसी का थ्योरम तो यूज करोगे कि दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं, हमने दोनों रेशियो को बराबर कर दिया। बढ़िया और बेहतरीन से क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आप सॉल्व कर लो, कल आपको हम पढ़ाएंगे, कल बढ़िया से प्रोबेबिलिटी भी होगी और सारी चीजें, क्योंकि आज क्या है ना क्लास शेड्यूल थी पहले से, सोचा तो हमने कि यही कर लें लेकिन फिर दिक्कत हो जाती, फिर आप ढूंढ नहीं पाते बाद में क्लास को। देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि सर अगर अपने पास ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए और डी व्यास है, हमने कहा ठीक है सर ए और डी व्यास है, ए और डी व्यास बना लो, कहना ए सी जीवा है, ए सी बिन बी पर इस प्रकार ना कि ओ बी, मतलब ए और सी, मतलब ए और डी तो व्यास हो गया, अगर ये ए पॉइंट है ना तो ए और डी तो जीवा हो गया। यहाँ पे लिखते चलते हैं कि सर अपने पास ये देखो ए और डी व्यास हो गया, सर यहाँ पे क्या है ना ए और सी जीवा है, ए और सी जीवा हो गया, ए सी पर बिंदु बी इस प्रकार ना कि ओ बी बराबर साथ है, सर अगर सेंटर इसका ओ है ना तो यहाँ पे ओ और बी यहाँ पे एक पॉइंट आके मिलता है और जिसकी लंबाई कितना 7 दिया हुआ है, कहें सर ओ बी ए बराबर कितना है, ओ बी और ए ये भी 60 डिग्री है, यदि डी ओ सी 60 है तो सर डी ओ और सी यहाँ से अगर आप इसको भी लाइन खींच दो ना, एक यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सर अगर आप ऐसे भी लाइन खींच देते हो ना तो डी ओ और सी ये भी एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा और 60 डिग्री आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है 1% की तो बता दो भाई, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर आप एक बात बता दो कि सर एंगल ये जो अपने पास है सी ए और डी, ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास, या अगर 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये वाला अपने पास 30 डिग्री होगा, क्या इसका आधा ही आएगा, क्या 30 आएगा, तो
हमने कहा सर ये अपने पास कितना आ गया, 30 आ गया। सर अगर ये 30 है ये 60 है तो क्या 90 आएगा क्या, ये वाला 90 आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर। सर अगर ये 90 हो गया ये 60 150 हो गया तो बचा वाला क्या 30 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर। सर ये 30 है और अगर बाहर 60 है मतलब सर इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। और या चाहे आप ऐसे कर लो कि सर ये टोटल कितना है 120 है तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा, बराबर बराबर आएगा तो बचा कितना सर 60 डिग्री, तो ये भी 30 आएगा क्या? तो अगर ये 30 है और ये भी 30 है, दो अगर एंगल बराबर हो गए तो क्या लंबाई भी बराबर बराबर आएगी क्या? अगर ये साथ है तो ये भी साथ आएगी क्या? तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो और ना निकालो दोनों बातें बराबर हैं क्या? ओ बी और सी, अच्छा ये 120 आएगा, हाँ तो 120 कर लो इसको, 120 आए, 30 30 60 और 120, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल बढ़िया। इससे तो अपने को मतलब नहीं है, चाहे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख लो कि सर अगर ये 60 है बाहर तो ये 30 आएगा और ये 30 आएगा, और हमको दो ही लाइन से मतलब है कि सर ये 7 है और ये 7 आएगा, बस इतना अपने को मतलब था, तीसरे एंगल से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बता दो फटाफट से, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा बना दें, अगर आपको दिक्कत देखने में दिक्कत लग रही है तो बड़ा भी बना दें इसको, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताओ आप लोग। अब बोला यार योगेन भाई, चलो इसको कर लो फिर हम बताते हैं आपको, तुरंत ही बताते रहा करो ना तो चीजें बढ़िया आपको समझ में आएंगी। हमने पहले ही बताया क्वेश्चन आज मजेदार है, आपको मजा आएगा, कल भी क्वेश्चन बढ़िया थे, आपने सॉल्व किया था अच्छे तरीके से। सिड का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। अच्छा टाइप करने में टाइम लग जाता है, बढ़िया यार, टाइप करने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आप तो टाइप किया करो आराम से। अखार का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा, क्या बात है, आप सभी ने बिल्कुल बढ़िया से 100% आंसर दिया है आप लोगों ने। देखो भाई टाइम बढ़ा देते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि सर एक चक्री चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है, मतलब सर एक सर्कल के अंदर बने होंगे चार अपने पास एंगल, क्या सर विकर्ण रेखा है बी डी और ए सी एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेदित करती है, कि सर दो अपने पास क्या है ना सर डायगनल है, दो अपने पास क्या है विकर्ण रेखा है ए बी डी और ए सी ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने कहा सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, कुछ ऐसा चाहे जैसा बना लो, जैसे भी आपका इच्छा करे वैसा बना लो आप, तो चारों वर्टेक्स अपने पास होने चाहिए सर्कमफेरेंस, और क्या ही करना है। हमने कहा सर ये अपने पास अगर इसको डिवाइड कर देना तो कुछ ऐसा डिवाइड करेंगे ये, तो और अपने से कहना चाह रहे हैं ना कि सर जिस पॉइंट पे मिलती है, ये तो अपने पास ए बी सी डी था, ए बी सी और डी, ये जिस पॉइंट पर मिलती है ना इसको ई नाम दे दिया इन्होंने। हमसे कह रहे हैं सर बी ई सी बराबर 138 है, कि सर बी ई और सी ये वाला एंगल कितना है सर 138 है और 138 है। तो हमने कहा ठीक है सर, अब हमसे ये कह रहे हैं कि सर अगर ये 138 है ना, तो अब से ये कह रहे हैं कि सर ये बताओ कि सर ई सी डी बराबर 35 है, ई सी और डी ये वाला 35 है, ठीक है भाई। फिर अपने पास क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं सर बी ए सी बता दो, कि सर बी ए और ये वाला सी वाला ये एंगल बता दो, ठीक है मेरे भाई। अब आप सभी को पता होगा कि सर सेम अर्क पे बना हुआ एंगल क्या बराबर बराबर होते हैं क्या? सर अगर ये 138 है तो आपको पता होगा ये वाला भी 138 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। या फिर सर अगर हम ए ई और बी निकालना चाहें, कि सर ये वाला एंगल निकालना चाहें, ये वाला एंगल निकालना चाहें, तो अगर ये 138 है तो 180 में से माइनस करोगे तो आएगा कितना? तो आपको सर देखो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, 10 में से 8 2 तो 42 आएगा ना, तो आपको सर ये वाला एंगल तो 42 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब अगर ये 42 आ गया तो ये वाला भी कितना होगा, 42 होगा, सिंपल सी बात है, चाहे आप इसको निकालो चाहे आप ये वाला एंगल निकालोगे तो कितना बनेगा, तो 40 30 70, और कितना आ जाएगा सर 77 आ जाएगा, तो बचेगा कितना क्या 103 बनेगा क्या, अगर ये 77 आ गया तो क्या 103 बनेगा क्या, 7 3 10 180 बनेगा भाई। और जब भी अपने पास ये 103 आ गया तो क्या अपने पास पूछा क्या गया है कि सर बी ए और ये वाला सी वाला ये वाला एंगल क्या इसके बराबर ही आएगा क्या, तो चाहे आप यहाँ पे निकाल लो या बी ए सी बराबर आप ऐसे कर लो कि सर 180 ये आ गया और 42 और 35 को माइनस कर लोगे ऐड करके, तो 35 और 42 तो क्या बराबर 100, ये अपने पास 3 ही बनेगा क्या, ये अपने पास 103 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, कि आप कभी भी बनाओगे ना तो सेम अर्क पे जितने भी एंगल बनेंगे ना, जितने भी आप एंगल बनाओगे सब बराबर बराबर बनेंगे, और बराबर 138 कहाँ से आ जाएगा भाई, किसका 138 आपने निकाल दिया योगेंद्र भाई, 138 ही तो लिखा है ना हमने, किसको दिक्कत आ गई, कहाँ पे दिक्कत आ गई यहाँ पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़ना अच्छे से सॉल्व करना आप लोग, आंसर आपको बढ़िया सा समझ में आएगा।
अभी सब टेलीग्राम पे। सिद्धार्थ भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में। आजकल सुनना है आपको डबल बोलने की आदत पड़ गई है, हर एक बात को दो बार बोल रहे हो आप। हाँ आज ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि सिद्धार्थ भाई आजकल एक बात एक बार नहीं बोल रहे हैं। सूरज कृष्णा, देखो भाई टाइम बढ़ा दिया हमने, हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि सर ट्रायंगल एबीसी में सी 90 डिग्री, आप समझो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको देख के। सर ट्रायंगल एबीसी हो गया, अब कहने सर सी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री जो है ना ये सी हो गया। तो हमने कहा सर अगर ये ए है ये बी है तो ये सी होगा, ऐसा कुछ बना दिया हमने। कहने सर क्यू जो है ना बी सी का मध्य बिंदु है, बी और सी का मध्य बिंदु जो है ना सर वो क्यू है। तो हमने कहा सर ये मिड पॉइंट हो गया, क्यू हो गया। कहने सर यदि ए बी बराबर 10 है, ए बी बराबर 10 आ गया और ए सी बराबर 2√10 आ गया, तो हम ये निकाल सकते हैं क्या सर सी और बी की लंबाई कितनी आएगी। कितना छोटा सा ही क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल निकाल पाओगे सर। ये हाइपोटेनस है मेरे भाई, इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको सर सी और बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये 100 आ जाएगा, और ये माइनस कितना आ जाएगा तो 4, और ये कितना आ जाएगा 10, 40 आ जाएगा क्या। तो आपको सर यहाँ से कितना बनेगा 60 बनेगा कहीं ना कहीं, तो आपको सर बराबर बनेगा रूट का 60 बन गया। या इसको हम लिख सकते हैं सर 2√15 भी लिख सकते हैं क्या, लिख दिया। हमसे पूछा गया है सर ए और क्यू की लंबाई बता दो, कि सर ये वाली लंबाई बता दो और ये वाली लंबाई बता दो, ऐसे ही कुछ लिखा पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि सर अगर 2√15 है तो क्या ये √15 आएगा और ये √15 आएगा, क्योंकि सर ये मिड पॉइंट है। आपको भी बिल्कुल आएगा सर, मिड पॉइंट है, इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और ए और क्यू की वैल्यू निकाल पाओगे क्या, तो आपको सर ए और क्यू बराबर कितना आएगा अंडर रूट का 2 × 2 = 4 और 10 = 40 आ जाएगा, और +15 आ जाएगा तो बराबर 55 आ जाएगा क्या। ये आंसर आ गया, बताओ क्लियर है क्या। किसी को 1% की दिक्कत समस्या आ जाए तो आप लोग बता देना, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल रुकने वाले हैं नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको अभी छोड़ो आप, इसको आप लोग सॉल्व करो पहले। छोटा सा क्वेश्चन एक कर लो जिसमें आपको थोड़ा सा मजा आए। सभी लोग 8 बजे क्लास जरूर आना भाई, 8 बजे और 8 बजे, जो नहीं आएगा ना बिल्कुल अच्छा होगा नहीं, क्योंकि तो आप लोग क्लास में आते हो तभी अच्छा लगता है, और ऐसे तो मजा आएगा नहीं। आओगे ना सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल आओगे, आज तो सुन रहे कि आज आप अलग ही फॉर्म में हो, बढ़िया बात। देखो भाई कह रहे हैं सर यहाँ पे देखो, कह रहे सर कोण जो है ना एंगल एबीसी के दो कोण बी और सी के आंतरिक समद्विबाहु बीच 132, तो एंगल का ए का मान बता दो। तो हमने सर आंतरिक पूछ रहे हैं ना, तो हमने कहा सर 132 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 90 + ½ ऑफ एंगल ए आ जाएगा। तो हमने कहा सर 90 माइनस करोगे तो 100, और ये कितना बनेगा 42 बनेगा क्या, और प्लस कितना आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 ½ ऑफ एंगल ए आ गया। इधर गुणा कर दो मेरे भाई, कितना बनेगा 84 डिग्री बनेगा क्या, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं क्या, अभी कुछ ही दिन पहले, अगर आप अगर याद करो तो 2-4 दिन पहले ये बातें हुई थी। पंडित भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। आप तो एक बार जितना करते ना, हम तो सिर्फ दो ही घंटे लेते हैं, हम सोचते हैं कम से कम आपको पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाएं। अभी अपने पास कितनी क्लास चल रही है, 2 घंटे होता है और ये 30 मिनट, मतलब 2½ अपने पास चलता है। अगर आप इतना करते हो ना तो इतनी प्रैक्टिस आपके लिए इनफ होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट जो क्वेश्चन लगता है कि बेहतर हो सकता है वो हम आपके लिए ले आते हैं भाई, बढ़िया और बेहतरीन से क्वेश्चन, चाहे एडवांस हो चाहे जो भी हो। अब जैसे आपने कहा सर स्टैटिक्स ये बन किया और प्रोबेबिलिटी बच गई, तो इसके लिए कल से बेहतरीन सी क्लास होगी। ठीक है, कल से बढ़िया और बेहतरीन सी क्लास आपकी होने वाली है, और 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक एक एक घंटे की क्लास आपके पास होगी, मतलब 5 घंटे में आप ये चीजें जो है एकदम बढ़िया से समझ पाओगे और एकदम बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 5 घंटे आप हमको देना, 5 घंटे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का जो आप ना कर पाओ। बेसिक भी पढ़ाएंगे और इसके साथ ही क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, दोनों काम हम आपको करवाएंगे 5 घंटे में।
राम खिलाड़ी का भी स्वागत है भाई क्लास में। देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमने कहा कि सर एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल कितना है ए बी और सी आ गया। हमसे कह रहे हैं सर ए अपने पास 90 डिग्री है। तुमने कहा ठीक है सर ए अपने पास 90 डिग्री हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। कह रहे हैं सर अगर डी जो है ना एडी पर परपेंडिकुलर बीसी है, एडी पर परपेंडिकुलर जो अब डी जो है ना, ए और डी जो है ना बीसी पर परपेंडिकुलर है। कह रहे हैं ए बी बराबर सर 12 है, ए सी बराबर सर कितना है, तो आपको सर ए और सी बराबर 16 है, तो आप बी और डी की वैल्यू बता दो। हमने ये बातें आपको लिखाई हैं सारी चीजें सेम टू सेम कि सर बी और डी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो आपको सर बी और डी, अपने पास बी और डी पूछा गया ना, अपने पास ए बी कहाँ, ऐसा होता है कुछ उल्टा लिख दिया हमने। बी और डी का भी लिखाया था हमने, लेकिन आप ए बी का याद करो, एक याद रखोगे सारी चीजें याद रहेंगी। आपको सर ए और बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो आपको बी और डी, ये चीजें आपको पता है ना कि सर बी और डी और इनटू कितना होता है, तो आपको सर ये अपने पास होता है ए और बी को हो गया ना, तो ए और सी आता है ना, ये अपने पास आता है। ये आपको क्लियर है क्या, ये बातें आपको पता होंगी और पता होंगी। बी और डी, ए और बी का स्क्वायर उल्टा लिख दिया है ना, तो चीजें आपको ऐसे लिखेगी ए और बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो आपको सर बी और डी आ गया, बी और डी का स्क्वायर आ गया और अपने पास ए और सी, ऐसे कुछ बनता है ना, नहीं ए और सी नहीं बनता भाई, ये बी और सी बनता है, बी और सी बनता है, ऐसे होता है, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये बी और सी बनता है ना, ये अपने पास आता है। तो ये फार्मूला होता है भाई इस क्वेश्चन का, जब भी अपने को सॉल्व करना हो। हमने पढ़ा है क्योंकि ए डी स्क्वायर बराबर, आपको सभी को पता होगा कि सर ए डी स्क्वायर बराबर होता है ए सी और बी सी, तो वहीं से आप लोग ये भी फार्मूला निकाल सकते हो और बना सकते हो इसको। हमने इसको लिखाया था आपको, और जब भी हमने पढ़ाया था तो ये सारी चीजें लिखाई थी। अब अगर सर ये अपने पास 16 है और ये 12 है, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे क्या कि सर ये अपने पास बी और सी कितनी आएगी? ठीक है फटाफट से बताओ कि अगर ये 16 है तो आपको सर 3 और 4 और 5 होता है तो ये 20 आएगा क्या? आपको बिल्कुल सर, ए और बी का सर होल स्क्वायर तो 144 आ जाएगा, बराबर बी और डी के आ जाएगा और इनटू कितना, बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 20 आ जाएगी। यहाँ से डिवाइड करोगे 2 से कितना 72 आ जाएगा, और 0 लगाओगे दशमलव बनेगा क्या, तो बी और डी बराबर 7.2 ये अपने पास आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है भाई ये अपने पास होता है, बढ़िया और बेहतरीन सर। जीवन, राम खिलाड़ी, रितिका, सभी को, सभी का बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है भाई क्लास में। किसी कोई दिक्कत समस्या लग रही हो तो बता देना, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये वाले फार्मूले हमने 3 फार्मूले आपको लिखाए थे, अगर आपको याद हो तो। हितेश सुबह क्लास में थे आप? सुबह नहीं थे ना क्लास में? सुबह उठ नहीं पा रहे हो आजकल? क्या बात, आपने बढ़िया और बेहतरीन से आंसर दिए सभी क्वेश्चन के। हमने कहा सर ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर 20 है, बी सी बराबर 21 है, ए सी बराबर 29 है, तो आप एक ट्रायंगल एबीसी बना लो सर। हमने कहा सर ए बी और सी आ गया, ये आ गया आपके पास। कह सर ए बी बराबर 20 है, बी सी बराबर 21 है, ए सी बराबर 29 है। अब सर कह रहे हैं कॉट सी का वैल्यू बता दो आप, तो अगर सी से एंगल लोगे तो सेम टू सेम बनेगा। टेन कितना होता है, तो आपको सर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सर 20 और अपान का एक कितना आ जाएगा सर 21 आ जाएगा। प्लस कॉसेक सी से लेना है तो सी से ही वैल्यू लेना है। हमने कहा सर कॉसेक कितना होता है, तो ये लंब बटे कर्ण होता है या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उल्टा आ जाएगा कर्ण अपान आ जाएगा, तो आपको सर 29/20 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई ये आ जाएगा। नहीं आया थे ना आप, हमको पता है कि आप सो रहे थे और बताते हो कि सर हम आ जाते हैं, कल से आपको जगाएंगे सुबह सुबह, टेंशन ना लेना आप। हमने कहा सर टेन ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको सर ये होता है लंब बटे कितना होता है, तो आपको सर आधार होता है या परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, ये अपने पास होता है बेस होता है। लेकिन सर ए से ले रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर तो ये आ जाएगा और बेस कितना ये बनेगा क्या, तो आपको सर 21/20 आ जाएगा ना, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई अब इसको आप सॉल्व कर लो, 21 दूना 42 आ जाएगा, चाहे तो आप इनको दोनों पहले ऐड कर लो, 9 और 4 20/21 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो आपको सर इसको 42 आ जाएगा, 29 एक 30
और कितना बनेगा भाई, इसको आप ऐड कर लो ऐसे ही तो है ना, 20/21 ही तो आएगा पहले में, 21/20 आएगा क्या यार, ये 21/20 बनेगा, 21/20 बनेगा, उल्टा लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे टेन का हमने लिख दिया था, 21/20 बनेगा और 21/20 बनेगा, हाँ ऐसा आएगा, तभी तो ऐड नहीं हो रहा था। 9 × 10 = 01 = 4 × 5 = 50/20, और माइनस कितना आ जाएगा, 21 × 42/20 आ जाएगा, घटाओगे 8/20 बनेगा, और बराबर कितना, 4 से 2 बार में और 5 बार में, ये अपने पास आंसर आ जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन कर लिया जाए, आप लोगों ने किसने अभी थैंक यू बोला था, आप लोग इतना कौन है, अमित, इतनी जल्दी अमित भाई कहाँ की रहती है, आपको छुट्टी हो गई आपकी। 10 क्वेश्चन करवाया हमने, साक्षी जी ने 9, सूरज भाई ने 9, आयुष्मान 8, प्रीसा ने 8, निखिल ने 7, आयुष 6, कृष्णा, प्रतीक, आशीष, पुनीत, सभी ने बढ़िया और बेहतरीन से आंसर दिए भाई। अगर टाइम की बात करें तो साक्षी जी ने 24 सेकेंड, 26 सेकेंड, 42, 46, अब टाइम आप देख सकते हो। ठीक है भाई, आपको अब जहां जाना है आप लोग जा सकते हो, फिर हम लोग मिलते हैं 8 बजे, और 8 बजे ये हम आपको PDF दे देंगे, क्वेश्चन बेहतरीन से, अभी क्वेश्चन आपको शानदार से देखने को मिलेंगे, अगर आप सॉल्व करना चाहोगे ना तो आप लोग कर लेना, बेहतरीन और शानदार से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हैं अभी आपके पास। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब, और अब कब आपको सर, 8 बजे और 8 बजे। और कौन कौन है जो टेलीग्राम पे नहीं, आप काफी लोग ऐसे हैं ना जो टेलीग्राम पे नहीं है, जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, सूरज भाई आप नहीं हो ना, आपको उठा के लाएंगे हम तो, आप कहाँ जाओगे बच के, थोड़े से और करा दो, लीडर आप लीडर बोर्ड में हो यार, हितेश भाई आप लीडर बोर्ड में हो, आप टेंशन ना लेना, हाँ कोई दिक्कत की बात है नहीं यार सूरज भाई। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग 8 बजे और 8 बजे, तब तक के लिए इतना ही।